Hello students, I am Akshita Tandon and ye physics ke lectures hum Trishul Defence Academy ke liye de rahe hain. Aaj ka hamara lecture is on again on electric field. Kal humne electric field shuru kar diya tha. Aaj hum use continue karenge electric field ko aur uske baad electric field mein hi ek extension hai electric dipole ka ki electric field intensity dipole agar hamare paas ho to hum kaise nikalenge ye hum dekhenge. पहले हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कल किया था उसका हमने इक्वेशन क्या निकाली थी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये हमने निकाली थी कि अगर एक हमारे पास चार्ज है Q तो एट अ डिस्टेंस R ये एक पॉइंट है P ये चार्ज है Q ये पॉइंट है P इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज निकालनी है तो हमारी इक्वेशन ये आई थी राइट अब ये था कि इस चार्ज की वजह से ये एक पॉइंट चार्ज जब हमने लिया था तब की हमने बात की थी कि ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज हो राइट टुडे आवर लेक्चर इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे पॉइंट चार्ज के उसमें तो हमने देख लिया था कि किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड निकल रहा था किस तरह से उसका डायरेक्शन निकल रहा था अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस चार्ज है कंटिन्यूअस चार्ज से क्या मतलब है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज ना होके जैसे एक रॉड है हमारे पास जो फुली चार्ज्ड है एक वायर है हमारे पास जो फुली चार्ज्ड है एक स्फीयर है हमारे पास जो टोटली चार्ज है और उसका चार्ज अगर हॉलो स्फीयर है तो उसका सारा जितना भी चार्ज है इट विल रेस्ट ऑन द सर्फेस तो इस तरह के अगर चार्जेस होते हैं तो क्या होता है तो आपके सिलेबस में जितना रिक्वायर्ड है हम उस हिसाब से दो में करवाएंगे एक हम करवाएंगे लीनियर चार्ज एक हम करवाएंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला वाला ये हम सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हम इसलिए करवा रहे हैं जिससे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरह से अगर हमारे पास एक्सटेंडेड चार्जेस या कंटिन्यूस चार्जेस हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे निकालनी है तब हम क्या करेंगे मान लो हमारे पास एक ये चार्ज है एक लेंथ है हमारे पास जो कि पूरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है ठीक है ये एक लेंथ ऑफ वायर ले लो रॉड ले लो एनीथिंग जो कि हमारी पूरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है अब ये पॉइंट चार्ज की तरह तो हम इसको नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है और हमसे कहा गया कि एक पॉइंट पी है एक पॉइंट पी है ए डिस्टेंस सपोज ये इस तरह से है इसके एंड से लेकर यहाँ वाला जो डिस्टेंस है ये ए है इस एंड से उस पॉइंट का डिस्टेंस इज ए सेंटर ले लो आर यहाँ पे लेट्स टेक यहाँ से आर रहने दो दिस इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी लेंथ हमारी ये है इस फुल लेंथ को टेक एज कैपिटल एल यस इस पूरी लेंथ को हमने ले लिया कैपिटल एल तो अभी तक हमें दो चीजें जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास वो क्या है ये जो लेंथ है ए इस एंड ऑफ द वायर से या इस एंड ऑफ द रॉड से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसका डिस्टेंस इज ए इस पूरी रॉड का लेंथ इज ए ठीक एक ये हमें दे रखा है दूसरी चीज होती है चार्ज डेंसिटी अगर हम लीनियर चार्ज की बात करते हैं तो योर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड बाय लैम्डा विच इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर यूनिफॉर्म चार्ज है ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा नहीं है कि किसी पोर्शन में चार्ज ज़्यादा है किसी पोर्शन में चार्ज कम है ऐसा ना होकर हर एक पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज थ्रू आउट द रॉड हमारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सपोज अगर क्यू चार्ज है तो वो हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टोटल चार्ज हमारा क्यू था टोटल चार्ज हमारा क्यू है हमने पूरे में उस क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो टोटल चार्ज जो है वो तो क्यू है बट
अगर चार्ज डेंसिटी की हम बात करें तो इट विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो मतलब अगर क्यू हमने लिया है जो कि हमने फुली डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे में, तो वी कैन राइट दिस लैम्डा एज क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल यहां पे, एंड दिस विल बी अ कॉन्स्टेंट. पर ये जो लैम्डा है क्यू अपॉन एल, ये तो ये हो गया. अदरवाइज भी अगर हम लैम्डा किसी भी पोर्शन के लिए निकालें तो इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. कोई भी एक छोटे से छोटा एलिमेंट भी इसका ले लो, एक छोटे से छोटा एलिमेंट भी इसका ले लो. तो मान लो अगर इस पे चार्ज है डी क्यू, इस पे चार्ज है डी क्यू, एक छोटा हमने एलिमेंट लिया जिस पे चार्ज है डी क्यू और जिसकी लेंथ इज डी एल, जिसकी लेंथ इज डी एल, तो भी लैम्डा क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी एल, एंड लैम्डा रिमेन्स द सेम. मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चाहे हम छोटे सी लेंथ का लें चाहे हम फुल लेंथ का लें, ये जो लैम्डा है दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि वॉट इज चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ पे, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो क्योंकि हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारी जो चार्ज डेंसिटी है, दिस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज अ कॉन्स्टेंट, जो Q by L के लिए, दैट इज टोटल चार्ज बाय टोटल फुल लेंथ के लिए है, वही सेम लैम्डा हमारा आना चाहिए अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं तो. डी क्यू अपॉन डी एल के लिए भी सेम लैम्डा हमको मिलेगा. ठीक है, तो एक लैम्डा इधर हम लिख लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल, सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से. अब हमको निकालनी है पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इस पूरे चार्ज को क्यू कंसिडर कर लें और ये कह दें कि ये इतनी दूरी पर है, तो भाई फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ई, तो दिस इज रॉन्ग. ये ऐसा नहीं होगा, हम इस पूरे क्यू को एज क्यू नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज. और जो हमारी ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस, क्योंकि ये हमने डिराइव कहाँ से की है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से हमने डिराइव की है. और कूलम्स लॉ की जो लिमिटेशंस जब हमने की थी तो ये हमने किया था क्योंकि कूलम लॉ की फर्स्ट लिमिटेशन यही थी कि कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किस पे है, पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है. तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो इक्वेशन है ये भी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पे है. अब हमारे पास आ गया ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिस पे कुछ हमें इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, दैट इज कि स्मॉल क्यूब टोटल इस रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वन थिंग. दूसरी चीज, इस रॉड की लेंथ इज कैपिटल एल. थर्ड थिंग, इस रॉड के इस एंड से जो पॉइंट है जहां हमें निकालना है उसका डिस्टेंस इज ए. एंड फोर्थ थिंग, कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है दैट इज गिवन बाय लैम्डा एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो व्हाट वी डू इज कि हम एक एक्चुअली ये इनफाइनाइटिजमली स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, इसे हम कहते हैं इनफाइनाइटिजमली स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट. तो हमने वो क्या ले लिया, डीएल हमने ले लिया, वो डीएल, ये हमारा इनफाइनाइटिजमली स्मॉल लेंथ एलिमेंट हो गया जिस पे हमने कहा चार्ज हमारा डी क्यू है. अब ये जो डी क्यू है ना, ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा बिकॉज नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, ये बहुत स्मॉल चार्ज है. अब ये इसीलिए इसको कहा इनफाइनाइटिजमली, मतलब बहुत छोटा चार्ज है ये, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है और इस पे जो चार्ज है वो भी हमारा क्या होगा, डी क्यू, इनफाइनाइटिजमली स्मॉल चार्ज एलिमेंट. ठीक है, तो ये भी बहुत, नाउ दिस डी क्यू कैन एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज और इसका डिस्टेंस तुम इस पी पॉइंट से ले लो एक्स, इसका डिस्टेंस हमने इस पी पॉइंट से ले लिया एक्स. अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है वो इस एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हो जाती है, इस एलिमेंट के लिए इट इज नाउ एप्लीकेबल. क्या हम इसको लिख सकते हैं, डीई, डीई सिर्फ डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना इस पॉइंट पे, तो वो क्या होगी, वो भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एलिमेंट छोटा सा ही होगा. डी ई इज इक्वल टू, अब यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस चार्ज और इस पॉइंट को जोड़ती हुई ये लाइन है, और सिंस दिस इज, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस, तो दिस विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज. ये कहां होगा, ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगा. तो इस चार्ज एलिमेंट की वजह से यहां पे जो डी ई आ रहा है
वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा. ये हमें मिल गया डी ई यहाँ पे. ठीक है, इसको रब कर देते हैं. इसकी हम इंफॉर्मेशन ये लिख लेते हैं. लैम्डा जो हमने लिखा था, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल एंड दिस इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल ऑल्सो डी सॉरी डी एल. अच्छा, क्या किया हमने? हाँ, अब हमें ये डी ई निकालना है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उस साइड होगा इसका डायरेक्शन. हमने डी ई उधर की तरफ लिख दिया. डी की डी ई की अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये क्या होगी, के क्यू. क्यू क्या है? चार्ज. अब चार्ज हमने कौन सा लिया है? डी क्यू लिया है. डी क्यू अपॉन डिस्टेंस हमने क्या लिया है इस डी क्यू से इसका, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ये आएगी हमारी डी ई. ये हमें मिल गई डी ई. अब डी क्यू है हमारा, अगर हम इसे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि ये डी ई है, दिस इज डी क्यू. हमें इंटीग्रेट अगर हम कर देंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरी रॉड की वजह से मिल जाएगी. बट अगर तुम ये देखो कि डी क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है हमारा. एक्स तो वेरिएबल है बट अगर इंटीग्रेशन तुम करोगे कि तो तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू. तो इज इट पॉसिबल कि हम एक्स को इंटीग्रेट कर दें चार्ज के रिस्पेक्ट में? नो वी कैन नॉट. तो अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ कन्वर्जन्स करने होंगे. कन्वर्जन कैसे करेंगे हम? अभी हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल. तो इस इक्वेशन से हमने लिख दिया डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल. लैम्डा डी एल इसको कन्वर्ट कर दूं, के डी क्यू की जगह ये सब्स्टिट्यूट लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर. अब क्या हम एक्स को डी एल के हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस वी कैन, क्योंकि एक्स भी क्या है, एक्स भी एक लेंथ है. डी एल क्या है, डी एल भी एक लेंथ है. तो अब हमारा इंटीग्रेशन इज पॉसिबल. तो अब इस डी ई को इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे. इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी? ये जो हमारा एक्स है वो कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, कहां से कहां तक वैरी कर रहा है? ये वैरी करेगा इस पॉइंट से, रॉड के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, रॉड के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. इस पूरी लेंथ का हमें निकालना है ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वैरी करेगा. ये पॉइंट कितनी दूर पे उस पॉइंट के, ए, और ये पॉइंट कितना दूर है इस पॉइंट से, ए प्लस एल. ये पॉइंट ए दूरी पर है जो कि हमें दे रखा है, ये पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है, ए प्लस एल. तो हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गई, फ्रॉम ए से लेके ए प्लस एल तक, ये हमारी हो जाएगी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेट के हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, हम इसे लिख सकते हैं डी ई. इंटीग्रेट किया तुम्हें मिल गया ई इज इक्वल टू के कांस्टेंट है बाहर निकाला, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर निकाला, डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर ए अपॉन ए प्लस एल. अज्यूमिंग कि आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं के इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वन माइनस एक्स ए ए प्लस एल. फटाफट इसे करके देखो कि ये क्या आना चाहिए, दिस शुड कम टू बी के क्यू अपॉन इस लैम्डा को, दिस लैम्डा कैन नाउ बी रिटन एज के क्यू बाय एल. ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, हमें दे रखा है ऑलरेडी, क्यू भी दे रखा है, कैपिटल एल भी दे रखा है. तो के लैम्डा क्यू बाय एल इसको रख दिया और माइनस वन अपॉन एक्स ए अपॉन ए प्लस एल हो रहा है. जब हम इसको कर लेंगे तो हमें मिलेगा आंसर के क्यू अपॉन द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के Q अपॉन A इंटू ए प्लस एल. के क्यू अपॉन ए ए प्लस एल, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द पॉइंट L. ये देख लो एक बार, पूरा डेरिवेशन देखिए, नोट डाउन, नोट इट डाउन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड वंस अगेन. टेक अ मिनट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट. पॉज करना हो वीडियो तो पॉज कर लीजिए. आई होप ये समझ में आ गया
कि इसकी वजह से हमने क्या किया है, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने डी क्यू एक एलिमेंट लिया, डीएल लेंथ का लिया, हमें इस, अब ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर सकता है, तो इस पॉइंट पे हमने इसकी वजह से डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज हो गई। हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस वन अपॉन एक्स, ऑब्वियसली वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस वन अपॉन एक्स होता है। लिमिट्स हमने कैसे ली, दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज ए प्लस एल, तो हमारा हो गया ए से लेके ए प्लस एल तक का। लैम्डा को वापस हमने क्यू बाय एल रख दिया। जब हम लिमिट्स रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा E इज इक्वल टू, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, और डायरेक्शन उसका क्या होगा, अवे, अवे फ्रॉम द रोड। उस E का डायरेक्शन भी होगा अवे फ्रॉम द रोड। तो ये हमारा हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ये हमें मिल गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी सर्कुलर कंडक्टर, अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर है तब हम क्या करेंगे। सेमी सर्कुलर हेडिंग डाल लो, सेमी सर्कुलर कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी सर्कुलर कंडक्टर कैसा होगा, बस सिंपली एक सेमी सर्कल हमने बनाया, यहां पे हमको निकालनी है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें निकालनी है। ये एक पूरा जो सेमी कंडक्टर है ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, दिस इज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे पूरी तरह से यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वही क्यू चार्ज लिया और उसको पूरे में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, जैसे ऐसे देखें पूरे में हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगेन इसका हम लैम्डा क्या ले सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल यहाँ पे नहीं होगा, यस नाउ माइंड यू दिस वॉन्ट बी क्यू अपॉन एल यहाँ पे, सिंपली ये क्या होगा क्यू अपॉन इसका हाफ का सर्कमफ्रेंस। और अगर हम जब एलिमेंट अभी लेंगे, जब हम एलिमेंट लेंगे तो हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी एल, देन वी कैन राइट डी क्यू बाय डी एल। अब हमें इस पॉइंट पे निकालनी है, इसका रेडियस ले लो आर, लेट द रेडियस बी आर, ये रेडियस हर तरफ इक्वल होगा, ये रेडियस हमने ले लिया आर। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट जैसे प्रीवियस उसमें लिया था एग्जाम्पल में, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसका हमने चार्ज लिया डी क्यू, और ये छोटी सी लिया है तो हमने इसे स्ट्रेट मान लिया, बिकॉज बहुत छोटी लेंथ है तो इसमें सेमी सर्कल नहीं आएगा, ये सिंपली हमने डी एल मान लिया, तो ये हो गया डी क्यू और डी एल, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट को हमने इससे जोड़ दिया, ये लेंथ वॉज आर, इसको हमने जोड़ा तो हमने ये डी क्यू जो है वो क्या एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, देखो डी क्यू जो है ये क्या एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, अगर दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को मान लो थीटा कि ये जो एलिमेंट है वो हमने थीटा एंगल पे लिया है, और इस जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है उसको मान लो कि वो डी थीटा सबटेंड कर रहा है, वो डी थीटा सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, और ये क्या है, ये कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। सेमी सर्कुलर कंडक्टर, ये सेंटर है, पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा ली है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी क्यू जिसकी हमने लेंथ ले ली डी एल, वो सबटेंड कर रहा है एंगल डी थीटा, और ये जो एलिमेंट है ये सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा, इतनी चीजें अभी तक हमने देखी। अब अगर हम देखें कि इस डी क्यू की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, जिससे आप बिल्कुल इस बात को याद कर लेना है, और किस जगह होगी, इस चार्ज एलिमेंट और इस पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही है, एक ये लाइन मिड पॉइंट से लाइन बना लो, ये जो जोड़ रही है इसी को अगर हम फर्दर एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमें दे देगा हमारा डी ई, स्मॉल एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। अब इसको इधर से जोड़ रखा है हमने, अब ये हमारा आ गया है डी ई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा,
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. अगर दिस इज डी ई तो जो थीटा वाली तरफ का कॉम्पोनेंट है डी ई का, हम देखो यहाँ पे हमारा आ रहा है तो हमको एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स उसके चाहिए होंगे. क्यों चाहिए ये अभी हम देखते हैं. ये जो डी ई है हमारा जो थीटा की तरफ कॉम्पोनेंट है वो कौन सा कॉम्पोनेंट होगा, डी ई कॉस थीटा. और जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट इसका होगा वो होगा डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा. अब ये एलिमेंट तो हमने यहाँ पे लिया है, अभी तक की चीज़ें फिर क्लियर हैं. दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया तो आगे हमने एक्सटेंड किया, इट इज डी ई अवे फ्रॉम द चार्ज. हमने थीटा एंगल, क्योंकि ये एंगल थीटा हमने अज्यूम किया है. ये देखो ये थीटा इज वेरिएबल, ये एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है, तुमने हो सकता है यहाँ लिया हो, हम कोई और हो सकता है यहाँ पे ले ले, कहीं भी आप ये एलिमेंट ले सकते हो. हमने यहाँ पे लिया है तो हमने लिख दिया ये थीटा है, आगे बढ़ा दोगे तो ये थीटा चेंज हो जाएगा. तो थीटा इज बेसिकली वेरिएबल, थीटा हमारा कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट क्या है हमारा, आर, दैट इज द रेडियस. किसी भी पॉइंट पे तुम एलिमेंट लोगे रेडियस विल नॉट चेंज. अब ये जो हमने डी ई, इसको हमने दोनों कॉम्पोनेंट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर दिया. ये थीटा था, इसे डी ई कॉस थीटा ले लिया, इसे डी ई साइन थीटा ले लिया. अब मान लो अगर हमने एक एलिमेंट यहां लिया होता, अब थोड़ा विजुअलाइज करो, ट्राई एंड विजुअलाइज दिस. अगर हमने एक एलिमेंट यहां पे भी ले लिया, यहां पे भी ले लिया, और वो भी डी क्यू और डी एल है, सपोज उतना ही बड़ा एलिमेंट लिया जितना डी क्यू चार्ज और डी एल का, ठीक. इसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी डी ई. इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन होगा. और इसका जो कॉस कॉम्पोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. अब इसका कॉस कॉम्पोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका कॉस कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में है, इसका कॉस कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा. बट डी साइन थीटा जो है वो इसका भी सेम डायरेक्शन में आएगा, बट डी कॉस थीटा क्या है, ये वाला डी कॉस थीटा इसको कैंसिल कर देगा. सिमिलरली तुम किसी भी पॉइंट पे डी क्यू यहां पे लोगे उसका एक काउंटर पार्ट होगा जो एवरी टाइम डी कॉस थीटा को कैंसिल करता चलेगा. कोई भी तुम इस हाफ, इस क्वार्टर में कोई भी एलिमेंट लोगे उसका जो डी कॉस थीटा एलिमेंट आएगा इस साइड, वो इस साइड का कोई भी हम एलिमेंट लेंगे उसके डी कॉस थीटा को कैंसिल करता चलेगा. तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, डी ई साइन थीटा. हर एलिमेंट का डी ई साइन थीटा तुम्हारे पास रह जाएगा. कोई भी एलिमेंट ले लोगे उसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी ई साइन थीटा रह जाएगा. तो एक्चुअली हमारे पास क्या है, डी ई साइन थीटा, ठीक है. अब डी ई साइन थीटा आ गया, डी ई की पहले इक्वेशन लिखो. डी ई की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये है हमारी डी ई, ये हो गया हमारा डी ई. अच्छा, उसके बाद फिर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी क्यू. अब हम डी क्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, हाउ कैन वी चेंज डी क्यू, इससे हम चेंज कर सकते हैं. तो दिस विल के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर. हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ किस कॉम्पोनेंट से रही है, डी ई साइन थीटा से आ रही है. तो डी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, हमारी ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा. अगर डी ई साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे तब हमें अब अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. दिस इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, डी एल साइन थीटा. तो क्या हम साइन थीटा को डी एल की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते. मतलब हमें डी एल को ऐसे कन्वर्ट करना होगा कि हम साइन थीटा को इंटीग्रेट कर पाए. तो डी एल कैन बी रिटन एज, ये देखो हमारा सेक्टर बन रहा है, ये हमारा एक सेक्टर बन रहा है. तो हमें अकॉर्डिंग टू आर मैथ्स, मैथ्स का अगर हम रूल रिवाइज करें तो यू विल सी कि आर, ये दिस आर इंटू आर डी थीटा इज इक्वल टू डी एल, आर डी थीटा इज इक्वल टू डी एल. ये जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम जहां पे आर्क सर्कल्स हम लोगों ने पढ़े, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम योर मैथ्स बुक कि दिस आर डी थीटा इज इक्वल टू डी एल. अब हम इसे लिख सकते हैं, दिस डी एल कैन बी रिटन एज आर डी थीटा, डी एल की जगह हमने लिख दिया आर डी थीटा इंटू क्या है साइन थीटा,
into sine theta. ठीक है, अब sine theta can be integrated with respect to d theta. इस चीज को ही हम यहां लिख रहे हैं, ये r कैंसिल हो गया इस r से, यू आर लेफ्ट विथ k lambda upon r integration of sine theta d theta. और theta हमारा कहां से कहां वेरी कर रहा है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है हमारा एलिमेंट और इस पॉइंट पे भी हो सकता है हमारा एलिमेंट, मतलब इस पूरे में कहीं पे भी हमारा एलिमेंट हो सकता है. तो एक्चुअली हमारा एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, राइट फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम जीरो डिग्रीज टू 180 डिग्री, राइट फ्रॉम जीरो डिग्री टू 180 डिग्री. तो जीरो से लेके पाए तक हमारा ये इंटीग्रेट हो सकता है और इसका आंसर माइनस कॉस थीटा आएगा. इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, पाई रखेंगे एक बार पाई रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर एज ट्वाइस ऑफ के लैम्डा अपॉन आर. तो हमारा ई आता है इसका 2k λ/r. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू अ सेमी सर्क्यूलर कंडक्टर. ये हमने भी एक एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है. क्या किया, क्यू को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक एलिमेंट हमने लिया, इस एलिमेंट की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अवे फ्रॉम द चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज बनाई, इसको हमने दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्योंकि ये थीटा हमने लिया था तो ये भी थीटा है. दिस इज डी कॉस थीटा, दिस इज डी साइन थीटा. हर एक इस क्वार्टर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हर का डी कॉस थीटा जो है, इस क्वार्टर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके डी कॉस थीटा से कैंसिल हो जा रहा है और हमारे पास सिर्फ डी ई साइन थीटा बच रहा है. डी ई हमने निकाल लिया कि ये होता है डी ई. फिर हमने लिखा कि ई नेट हमारा कैसे आएगा, डी ई साइन थीटा से आएगा, हमने वो लिख दिया. नाउ डी ई को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपनी इस वैल्यू से, डी ई को हमने इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया. और क्या एक और हमने चेंज लाई कि डी एल को हम वी रोट एज आर डी थीटा. क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो हमने आर डी थीटा साइन थीटा कर दिया. मतलब अब हमें इंटीग्रेशन किसका मिल गया, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू योर डी थीटा. और एंगल ऑफ इंटीग्रेशन क्या हमारा होना चाहिए, जीरो से लेके पाई तक हमने इंटीग्रेट किया. वी गेट द वैल्यू ऑफ ई एज 2k λ/r. वॉट इज दिस k, बार बार हम k लिख रहे हैं, k क्या है, k हमारा सिंपली प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, 1 upon 4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹. सो जस्ट कॉपी इट डाउन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, टेक अ मिनट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू करते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए. तो ये हो गया सेमी सर्कुलर कंडक्टर. अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल. आई होप ये सबने कॉपी कर लिया होगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत आगे तक अभी हम लोगों को जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, हर केस में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. अच्छा, बिफोर गोइंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेट, बिफोर गोइंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बहुत छोटी सी चीज़ है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. अगर हमें बनानी हो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहें या इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे डायरेक्शन होता है वो कहें, जो भी, जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी क्या लाइंस होंगी, इस तरह से, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज. ये हम लोगों ने किया था कि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा. नाउ यही चीज अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज. छोटा सा टॉपिक है, जस्ट एक ब्रशअप टाइप का, तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा. अगर मान लो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो कैसी होंगी लाइंस ऑफ फोर्स. ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक नेगेटिव चार्ज रखा है, और तब हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें बतानी है, तो कैसे बनाएंगे हम इनको बनाते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज. मतलब स्टार्ट होती है किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे, और एंड कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज पे. स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज पे, एंड कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज में. मतलब स्टार्ट हुई पॉजिटिव पे, एंड हुई नेगेटिव पे, डायरेक्शन हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव. फिर से नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
बनती हैं. दिस इज हाउ वी मेक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. और ये हमारी टर्मिनेट, ये वो हुई, ये टर्मिनेट. सिमिलरली ओवर हियर, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे क्या हुई, टर्मिनेट. यहाँ पे क्या हुई, टर्मिनेट. यहाँ पे हुई शुरू. इस तरह से हमारी बनती हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखा हो. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइन्स बन रही हैं और बहुत पास पास बन रही हैं, तो ये जो यहाँ की फील्ड होती है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. ये सेंटर रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर रीजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट. दूसरा हम केस ले सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया. एक टेस्ट चार्ज हमने यहाँ प्लेस किया, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है. इसकी कैसे बनेंगी, अब देखो, स्टार्ट होती है पॉजिटिव पे, एंड होती है नेगेटिव पे. क्या हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं. तो हम नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं कि एक इन्फिनिटी पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा. तो मतलब स्टार्ट तो यहाँ पे हुई पर इधर तक तो नहीं जा सकती क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है. तो क्या होता है, ये ऐसे घूम जाती हैं, ये ऐसे घूम जाती हैं. सिमिलरली फॉर दिस, ये इधर जाके ऐसे घूम गए, ये इधर जाके ऐसे घूम गए, ये इधर घूम गए. सिमिलरली दिस, ये इधर घूम गए. दोनों में स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज पे ही हो रही है, दोनों पे स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज पे ही हो रही है. तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो क्या कोई वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं. वो कोई ये टेस्ट चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स कोई आ ही नहीं पा रही हैं. सारी जितनी भी लाइन्स हैं वो यहाँ पे आते आते मुड़ जा रही हैं, सारी फील्ड की लाइन्स यहाँ पे आते आते मुड़ जा रही हैं. तो इसलिए ये टेस्ट चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. एक और हमारा केस अगर हम बनाए, एक रॉड है, लीनियर चार्ज मान लो बना लें, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. इसकी कैसे होंगी, शुरू होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होती है नेगेटिव चार्ज. देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, तो ये शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे कोई नेगेटिव चार्ज रखा है. और कहाँ होंगी, बोथ द साइड्स होंगी, ये जो है वो बोथ द साइड्स होंगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी. मतलब अगर कोई तुम टेस्ट चार्ज यहाँ रखोगे तो भी उसे इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील कर सकेगा. तो एक ये अगर रॉड इस तरह से है, तो अगर एक और हम कंडीशन लें जिसमें हम लेते हैं कि दो हमने रख दिए इस तरह से लीनियर चार्ज हमारे, एक ये रख दिया हमने जो कि हमने पॉजिटिवली चार्ज रख दिया, एक और रख लो पैरेलल प्लेट हमने रखी है, पैरेलल प्लेट रख दी है वो नेगेटिव चार्ज की, ये है हमारा नेगेटिव चार्ज. तो क्या होता है, इस केस में पॉजिटिव से शुरू होगा, नेगेटिव पे एंड होगा. तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे एंड, दिस गोज ऑन एंड ऑन. बट एक की बस क्या परेशानी आती है कि जो एंड पॉइंट्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड हैं ये फ्रिंज हो जाती हैं, इसको कहते हैं फ्रिंजिंग, ये मुड़ जाती हैं. जो एंड पॉइंट्स हैं उस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, ये थोड़ी सी कर्व बना देती हैं. मतलब क्या हुआ कि ये फ्रिंजिंग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रिंज एट द एजेस, एट द एजेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रिंज एट द एजेस, ये जो इसे कहा हमने फ्रिंज. तो ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके डायग्राम्स कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेंगी, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो कैसे बनेंगी, एक लीनियर चार्ज दे रखा है तो कैसे बनेंगी. तो ये इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोगों के आते हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है, दैट इज दैट ऑफ आर इलेक्ट्रिक डाइपोल. होप ये हमने कॉपी कर लिया होगा, ये सारी बुक्स में भी डायग्राम बना हुआ है, बुक्स के डायग्राम देख के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होना चाहिए तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे. इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे हमने कहा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो, बट इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो उस पर स्पेशली मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक
डायपोल. क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल एक वो सिस्टम है जिसमें हम दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस रखते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी. इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस थोड़ी सी दूरी, एट सम सेपरेशन अपार्ट, थोड़ी दूरी पर हम अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रख दें तो उसको हम कहते हैं कि हमने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल. तो अ पेयर ऑफ चार्जेस, अ पेयर ऑफ चार्जेस, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड. डेफिनेशन देख लेना, equal in magnitude, kept at a या placed at a small distance apart. अगर हम दो equal and opposite, मतलब एक plus हमने q रखा तो दूसरा हमने minus q रख दिया और एक छोटे से distance पे रखा, इस distance को हम जब हम electric dipole की, तो ये एक electric dipole है, system को हम कहेंगे कि ये हमने एक electric डायपोल बनाया है. और हम इस डिस्टेंस को 2L लेते हैं. देखो डिस्टेंस हम L भी ले सकते हैं, हम डिस्टेंस X भी ले सकते हैं, हम डिस्टेंस Y, Z, एनी हम कुछ भी ले सकते हैं. हम यहाँ स्पेसिफिकली 2L ले रहे हैं. वो हम बताएंगे कि हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम जितनी अभी इस पे डेरिवेशंस करेंगे वो हम इस लाइन के मिड पॉइंट को लेकर करेंगे. तो मिड पॉइंट लेने के लिए हम L इधर ले लेंगे और L इधर ले लेंगे, इसीलिए हम इसको 2L लेते हैं. यू कैन टेक 2X, 2Y, जो भी लो 2 में लो, इसलिए जिससे जब हम मिड पॉइंट निकालें तो हम एक हाफ को L कह दें, दूसरे हाफ को L कह दें. अदरवाइज टोटल को अगर हम L ले लेंगे तो हमें L by 2, L by 2, तो फिर डेरिवेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. नो नीड ऑफ गोइंग इनटू फ्रैक्शंस, बेटर है कि इसे 2L ले लें. बट दिस 2L इज वेरी स्मॉल, ठीक है. ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है. तो इस सिस्टम को, ये जो हमने सिस्टम बनाया है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें हमने क्या रखा है, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस रखा है स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, थोड़ी सी दूरी पर रखा है. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, हमें सिर्फ क्या लेना है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई भी एक मैग्नीट्यूड, मतलब Q, यही मैग्नीट्यूड लिया है, इनटू दैट इज इनटू प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक ऑफ डाइपोल मोमेंट, एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L, और इसको डिनोट हम करते हैं किससे, P से. नाउ दिस P इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, P भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट इज डाइपोल मोमेंट. ये तो डाइपोल, तो इस अरेंजमेंट को कहा हमने डाइपोल, हमने इस अरेंजमेंट को कहा. इसको डिफाइन करने के लिए वी हैव डिफाइंड अ टर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने के लिए, ये तो हमारा एक सिस्टम है, इसे अब हमें मैथमेटिकली डिफाइन करना था, तो हमने एक टर्म लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका हमने कहा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड. और इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है From negative to positive charge. From negative to positive charge. मतलब अगर हमें P का, ये P है, हमें इसका डिस्टेंस बताना है तो इस केस में डिस्टेंस होगा नेगेटिव से पॉजिटिव. ये है हमारे P का डायरेक्शन. तो P वेक्टर क्वांटिटी है, P वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड हमें इस इक्वेशन से मिलेगा और इसका हमें डायरेक्शन मिलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के बीच में. अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे हम तीन पोजीशंस पे, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अरेंजमेंट है, इसकी तीन पोजीशंस पे हम लोग कंसिडर करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. देर आर थ्री पोजीशंस जिसपे हम कंसिडर करेंगे कि हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे. पहली होती है एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पोजिशन जिसे हम कहते हैं
end on position, एक्सियल पोजिशन या एंड ऑन पोजिशन, मतलब अगर ये हमारा एक्सिस है इस डाइपोल की, तो इसी एक्सिस को आगे बढ़ा के किसी एक पॉइंट पे हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे. ये हमारी एक्सिस है, इसी पे आगे लाइन हमने बढ़ाई और उसी लाइन पे कहीं पे हम, उसी एक्सिस पे कहीं पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली. दूसरी होती है हमारी इक्विटोरियल पोजिशन. इक्विटोरियल पोजिशन जिसे हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन. ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ये हमें कहाँ मिलती है? जो ये हमारी एक्सिस है, इस एक्सिस का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम एक बनाते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हम ये सारे अलग अलग अभी लेंगे, जस्ट लिख रहे हैं तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन. तो इस एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमारा मतलब होगा ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन से, दैट इज इक्विटोरियल पोजिशन. और थर्ड हम लेंगे जनरल पोजिशन. एक हम लेंगे जनरल पोजिशन, ये तो दो हमने स्पेसिफिक केसेस ले लिए, थर्ड हम लेंगे जनरल पोजिशन. और हम देखेंगे कि अगर हम इसका फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं तो इस फॉर्मूले से हमें ये दोनों भी मिल जाते हैं. जनरल पोजिशन कि अब हम यहाँ पे निकालना चाहें, यहाँ भी निकालना चाहें, यहाँ निकालना चाहें, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी. सो दिस वील स्टार्ट विद द एक्सियल पोजिशन. आई होप यू अंडरस्टूड डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट को कैसे, उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं, और उसका डायरेक्शन क्या होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी माइंड यू, ठीक. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरह से हमें मिला. जस्ट नोट इट डाउन. पहला अब हम लेते हैं, लेट्स बिगिन विद द एक्सियल पोजिशन. लेट्स बिगिन विद द एक्सियल पोजिशन. एक्सियल पोजिशन, एक डाइपोल बनाएंगे सबसे पहले. फर्स्ट मेक अ डाइपोल. लेट्स मेक अ डाइपोल. ये हमारा हो गया सपोज नेगेटिव चार्ज, ये हमने बना लिया एक पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज 2L, ठीक है. अब एक्सियल पोजिशन मतलब इस एक्सियस पे हम आगे बढ़े, हमने एक पॉइंट लिया P, हमें इस पॉइंट पे चाहिए, हमें इस पॉइंट पे चाहिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है. इस सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है ये दे रखी है, दिस इज इक्वल टू आर. ये आर है, मिड पॉइंट लिया है तो ये एल है और ये भी एल है. इतनी सारी चीजें हमें पता चल गई. इलेक्ट्रिक, ये हमने डाइपोल बनाया माइनस और प्लस क्यू, इसकी दूरी हमने ली 2L, मिड पॉइंट लिया तो ये L हो गया, ये L हो गया. इस मिड पॉइंट की, अब जब भी हम डाइपोल की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे से डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो हम मिड पॉइंट से सारी चीजें, इसको एक सिस्टम मान के उसके मिड पॉइंट से हम ले लेंगे. तो मिड पॉइंट पे हमने रखा, इस मिड पॉइंट से इस P की दूरी है R. अब निकालना शुरू करो. पहले इस प्लस क्यू को कंसिडर करो. मान लो ये चार्ज नंबर वन है और ये चार्ज नंबर टू है, जिससे हम ई वन और ई टू लिख सके. अब वन चार्ज की वजह से, दैट इज पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज. सो लेट्स मेक इट ई वन. सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज. तो ये हो जाएगा हमारा E2. अब हम देख सकते हैं कि E1 और E2 का डायरेक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट है. E1 क्या है? E1 इज इक्वल टू K Q अपॉन, ये डिस्टेंस क्या है, Q का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, दिस R माइनस L, दिस होल R, इस पॉइंट के डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं. सी, इस पॉइंट के बात कर रहे हैं, कहां से, इस पॉइंट से हमें ये दूरी चाहिए. ये दूरी इज नथिंग बट दिस R माइनस दिस एल, तो हमें ये मिल जाएगा. तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर. सिमिलरली हमारा ई टू क्या है? ई टू इज नथिंग बट के क्यू अपॉन आर प्लस एल. अब इसकी हमें दूरी चाहिए इस पॉइंट से, तो दिस इज आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर. अब डायरेक्शन की बात आएगी. ये तो हमने दोनों के मैग्नीट्यूड लिख दिए, अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे. तो
प्लस क्यू क्योंकि हमारा पास था यहाँ से, तो हम मान के चलेंगे कि इवन जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इवन माइनस ई टू। सो योर इवन माइनस ई टू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस का होल स्क्वायर। इसको कुछ नहीं, के क्यू हमारा कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या देगा हमको, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। के क्यू बाहर आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है 2k 4 RL, ऊपर हमें मिलेगा 4 RL, राइट। ये हमें मिल रहा है ई नेट या ई एट पी लिख लो इसको, ई एट पी, ठीक है, ई एट पी 4k q l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जस्ट चेक कि आ रहा है ये हमारा 4 There's one R also, I guess. R L है ना ये? No, there's one R also. ठीक है, 4K QL R upon R square minus L square का whole square. ये हमको मिल गई हमारी equation. अब अगर तुम dipole moment की बात करो, dipole moment का magnitude क्या था? 2QL था हमारे dipole moment का. अगर इसको हम in terms of dipole moment लिखना चाहें, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2QL इससे अलग ले लो, तो ये बचा क्या? 2K 2QL 2QLR upon R square minus L square का square, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। This is nothing but P, तो हमने लिख दिया 2KPR upon R square minus L square का square। ये होती है हमारी electric field intensity at the point P due to this dipole। इस point P पे इसकी वजह से, इस dipole की वजह से electric field intensity कितनी है, इतनी। Just note it down. Just note it down, try and understand. K को हम वो भी लिख सकते हैं 1/4πε0, वो हमारे ऊपर है, हम K लिखे रहने दें, या you can always write it as 1/4πε0 2πr upon r square minus l square का whole square. हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर वो हम ये वाला एक्सप्रेशन देखें E का, जो हमें E नेट मिल रहा है, EP हमको जो वहां पे मिल रहा है, अगर हम उसका एक्सप्रेशन देखें और हम एक अप्रोक्सीमेशन ले रादर कि अगर R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल l, योर R, ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, वो हमने बहुत दूर लिया है एज कंपेयर टू जो डिस्टेंस इसके बीच में है, ठीक है। R जो है दैट इज मच ग्रेटर, क्या अजम्पशन ले, आर इज मच ग्रेटर देन एल, अगर हम ये ले लें तो हम यहां पे क्या चेंज कर सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट चेंज कैन वी मेक, क्या चेंज हम ला सकते हैं। हम एल को इग्नोर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, हम एल को इग्नोर कर देंगे आर की रिस्पेक्ट में, मतलब ये क्या हो जाएगा, हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ई पी इज इक्वल टू 2πr अपॉन 4πε0 r टू द पावर 4, r r क्यूब हो गया ये, यू आर लेफ्ट विद 1/4πε0 2π/r³ ई पी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ई पी हमारा मिल गया हमको 1/4πε0 2π/r³। ये हमारा आता है एक्सप्रेशन फॉर द एक्सियल पोजिशन, जब हमने आर को इग्नोर कर दिया, सॉरी एल को इग्नोर किया है विद रिस्पेक्ट टू आर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, एक अप्रोक्सीमेशन हमने लिया था इसमें, ठीक है। सो जस्ट कॉपी इट डाउन, ये हमारा कौन सा है, ये हमने किया एक्सियल पोजिशन और द एंड ऑन पोजिशन, और द एंड ऑन पोजिशन, चाहे एक्सियल पोजिशन का है चाहे एंड ऑन पोजिशन का है, वन एंड द सेम थिंग किया, कुछ नहीं था हमने इसमें, बहुत सिंपल सा था, इस पॉइंट पी पे लेना था, तो इस पॉइंट के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इज अवे फ्रॉम द चार्ज, डिस्टेंस क्या है आर माइनस एल, इसका डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा आर
प्लस एल डिस्टेंस होगा इसका और माइनस क्यू है तो टूवर्ड्स हो जाएगी, तो दैट्स वाई वी गेट ई वन माइनस ई टू. ई वन की हमें वैल्यू पता है, ई टू की पता है, ऑल वी हैड डन इज सिंपली सॉल्व्ड. सिंपल मैथ्स हमने लगाई. इस पॉइंट पे आके हमने एक अप्रोक्सीमेशन लिया कि आर इज मच ग्रेटर दैन एल, तो हमारा क्या चेंज आ सकता है. तो हमने उसमें देखा कि अगर हम उसे चेंज करें, नाउ नोट डाउन दिस एक्सप्रेशन वेरी नाइसली, अलग से इसे नोट डाउन करिए, क्योंकि अब जब इक्वेटोरियल हम करेंगे तो हम देखेंगे उसका इससे क्या रिलेशनशिप है. सो नाउ आई एम रबिंग इट ऑफ. अच्छा, ये वेक्टर था तो वेक्टर है तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आया. डायरेक्शन क्या होगा? हम कह रहे हैं कि ये हमारी बड़ी है, मतलब डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई पी हमारी आई उसका डायरेक्शन हमारा इधर है. अब डायपोल मोमेंट जो था उसका डायरेक्शन क्या है हमारा? उसका डायरेक्शन भी क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो मतलब पी का भी डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है. जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो भी कहाँ है? इसी डायरेक्शन में है. डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है. तो हम ये लिख सकते हैं कि आर ई पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट. जब एक्सियल पोजिशन की बात हुई, ये एक्सियल पोजिशन की जब बात हुई तो दैट मीन्स हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट होता है. ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन की बात. नाउ नेक्स्ट इज आर इक्विटोरियल पोजिशन, दैट इज द ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन. अब हम करेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन. इक्विटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन क्या करते हैं? एक अगेन टेक अ डायपोल. ये हमारा 2L है. इसके सेंटर पे हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. उस पे हमने एक पॉइंट हमने ले लिया. ये हो गया हमारा, ये हमारा L है, ये L है. ठीक है, ये पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर है? दिस इज जस्ट जॉइन द पॉइंट. इधर हमने ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा आर हो गया. हम सेंटर से लेते हैं ना पोजीशन, सेंटर मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट से हम उस पॉइंट की दूरी हम आर लेते हैं. पिछले में भी अगर इफ यू रिमेंबर हमने क्या किया है कि जो डायपोल का मिड पॉइंट था उससे हमने उस पॉइंट की दूरी आर ली थी. सिमिलरली ओवर हियर ये मिड पॉइंट है हमारा, उससे हमने दूरी ले ली उसकी आर. तो ऑटोमेटिकली दिस एंड दिस बिकम्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सिमिलरली ओवर हियर दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा. अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, क्यू से प्लस क्यू है, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी इस पॉइंट पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज. बना दो इसे इवन, लिख दो. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगी? टुवर्ड्स द चार्ज. तो ये ई टू लिख दो. ये अगर थीटा एंगल है, सपोज इफ दिस इज थीटा एंगल, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा. तो इसका जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट इधर है दैट इज, और ये भी थीटा है. जब हम यहां से एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा. एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, दोनों थीटा होगा. अब ये हमारे यहां पे अगर हम देखें तो दिस वन इज ई वन कॉस थीटा, ई वन कॉस थीटा है, और ये क्या है? ई टू कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा. जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये जो साइन थीटा का कंपोनेंट है वो इसका इधर है और इसका नीचे है, कैंसिल आउट. ई वन साइन थीटा और ई टू साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ई की वैल्यू तो सेम है ना, E की वैल्यू हमारी सेम है, जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम. तो E1 साइन थीटा ऊपर आएगा, E2 साइन थीटा नीचे आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. हमारे पास बचा क्या रह गया? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, टेक अ मिनट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. cos थीटा की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू इस ट्राइंगल से, देखो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो अगर cos थीटा की वैल्यू देखो तो cos थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब e की तुम वैल्यू देखो, e1 क्या हो जाएगी?
क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का, इस चार्ज का और इस पॉइंट का डिस्टेंस इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सिमिलरली ई टू का क्या है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. अब हमारी नेट क्या आ रही है पी पे, अगर ये पॉइंट पी मार्क कर लो तो ई पी क्या होगी, ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा. ई वन कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ये है, आर स्क्वायर होता है ना, तो ये अंडर रूट नहीं रहेगा, आई एम सो सॉरी, दिस इज आर स्क्वायर. तो ये जब अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर की बात आ रही है, तो ये भी हटा दो. आर स्क्वायर नीचे का टर्म तो स्क्वायर होता है, तो ये जब अंडर रूट है स्क्वायर हमने किया अंडर रूट हट गया. दिस अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ई टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, टू के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2. इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ इज 3/2. ये हम लिख सकते हैं. अब पी के टर्म्स में फिर से देखो, पी के टर्म्स में फिर से देखो क्या आ रहा है. पी के टर्म्स में टू क्यू एल एस पी सब्सटीट्यूट कर दो, के पी अपॉन, और फिर से वही अजम्पशन ले लो, आर इज मच ग्रेटर देन एल, जो पिछले में लिया अजम्पशन फिर से इसमें ले लो, टू टू कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद आर क्यूब. हमें उसमें क्या मिला था, पहले वाले में क्या मिला था, एक्सियल में वी गॉट दिस एज, एक्सियल में वी गॉट दिस एज टू के पी अपॉन आर क्यूब, राइट. और कैसे, इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट. ई पी हमें एक्सियल पोजिशन में यही मिली थी, जस्ट चेक इट, चेक इट, टू के पी अपॉन आर क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. अब की बार देखो क्या हो रहा है, ई पी हमें मिला है के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब मतलब हाफ ऑफ वॉट वी गॉट इन द एक्सियल पोजिशन. अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन किधर है, इधर है डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल मोमेंट का किधर है, इधर है डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डायपोल मोमेंट. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो दैट मीन्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो हमारा पी क्या आया, ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू डायपोल मोमेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा है ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू डायपोल मोमेंट है. ये हमारा आया इक्वेटोरियल का, ये हमारा आया था एक्सियल का. इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट है डायपोल मोमेंट से, इसमें सेम डायरेक्शन है. तो अगर हम ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में अगर एक रिलेशनशिप चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज ई एक्सियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल. क्या लिख सकते हैं, अगर हम ई इक्वेटोरियल को जो कि ये है हमारा, इसको ट्वाइस कर दें और एक माइनस साइन लगा दें, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन भी आपस में ऑपोजिट है, एक माइनस साइन लगा दें, तो कैन वी नॉट गेट दिस इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. यस वी विल गेट दिस इक्वेशन. तो दैट मीन्स ई एक्सियल इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल, या ई इक्वेटोरियल इज हाफ ऑफ ई एक्सियल, is half of E axial in the opposite direction. Axial वाले का direction है dipole moment का ही, इसका यहाँ पे हमें मिल रहा है opposite in direction to the dipole moment. तो automatically इसका और इसका direction भी क्या हो गया, opposite हो गया. ठीक है, just note it down and see if you have understood. अब last हम इसमें कर लेते हैं, last इसमें हम करेंगे जनरल पोजिशन, जनरल पोजिशन, जनरल पोजिशन इज वेरी इजी. कोई भी अगर डायपोल है और उससे हमें कोई पॉइंट तक लेना है, किसी पॉइंट तक लेना है, इफ सपोज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ये इसको जोड़ रहा है 2L लेंथ से, ये सेंटर हमारी लेंथ हो गई, दिस इज L एंड दिस इज अगेन L. इस पॉइंट से कोई भी हम पॉइंट बनाए, सपोज ये पॉइंट हमने बनाया, तो हम दो चीजों से डिफाइन कर सकते हैं. किन दो चीजों से, एक तो इस एंगल थीटा से और दूसरा ये डिस्टेंस आर से कर सकते हैं.
अगर हमें R पता है कि ये पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है, एक चीज, दूसरी चीज कितने एंगल पे है, तो हम कोई भी पॉइंट बना सकते हैं. यस वी कैन. हमें R अगर पता है और पता है कि 120 डिग्री पे है, तो R हमने कहाँ पे बनाया, 120 डिग्री लिया और R की लेंथ ली, हमें पॉइंट मिल जाएगा. तो अगर हमें R थीटा पता है तो जनरल पोजिशन हमारी क्या है, R थीटा. ये हमारी पोजिशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. दिस इज द थर्ड वन. इसमें हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का तुम देखो क्या है डायरेक्शन, पी, मतलब ये डायरेक्शन जो है वो है पी का, ये है हमारा पी का डायरेक्शन, ये है हमारा, उसे थोड़ा सा डार्क कर दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी. अब इसको निकालने के लिए बुक्स में बहुत हैवी मेथड्स दे रखे हैं, डोंट गो बाय दैट. सिंपली क्या करो, इस पी को कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर दो. एक थीटा इधर है तो ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा वो हो जाएगा पी साइन थीटा. ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर दो एम, लेट दिस पॉइंट बी एम. अब पी कॉस थीटा के लिए एम किस पोजिशन पे है, हमने पी जो डाइपोल मोमेंट है उसे डिवाइड कर दिया पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में. अब तुम लोग ये देख के हमें बताओ कि पी कॉस थीटा के लिए जो एम है वो किस पोजिशन पे है एक्चुअली. या वी कैन इजिली सी कि एम हमारा कहां पे है, एम हमारा एक्सियल पोजिशन में है उसके. पी कॉस थीटा के लिए एम एक्सियल पोजिशन पे है और पी साइन थीटा के लिए एम कहां पे है, इक्वेटोरियल पोजिशन पे है. दिस इज योर पी साइन थीटा. ये इसका क्या हो गया, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर हो गया इससे, ये परपेंडिकुलर हो गया इससे. तो एम कहां पे, तो पी कॉस थीटा के लिए एम किस पॉइंट पे है, एक्सियल पोजिशन पे है. और पी साइन थीटा के लिए एम कहां पे है, इक्वेटोरियल पोजिशन पे है, इक्वेटोरियल पोजिशन पे है. अब नाउ व्हाट वी डू इज कि हमको एक्सियल पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होती है, एक्सियल पोजिशन पे हमें पी कॉस थीटा होती है 2kp अपॉन आर क्यूब, लिख दो ई ड्यू टू पी कॉस थीटा. बट अब पी यहां पे क्या है, पी इज पी कॉस थीटा, पी क्या है, पी कॉस थीटा है यहां पे, तो वी कैन राइट इट एज ई एम ड्यू टू कॉस थीटा, लिख दो एम कॉस थीटा इज इक्वल टू 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब. एम इसके लिए क्या है, पी साइन थीटा, डिस्टेंस तो वही आर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको अगर एक्सटेंड हम पीछे तक कर दें और इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें तो इस पॉइंट से इसकी दूरी भी आर ही है, इस लाइन से भी इसकी दूरी आर ही है, तो क्या हो जाएगा ई एम साइन थीटा कॉम्पोनेंट की वजह से क्या है, इक्वेटोरियल पोजिशन पे है, तो इट इज सिंपली के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू. ये हो गई मैग्नीट्यूड की बात. I hope this is very clear. P cos theta के लिए M point axial position पे है, same axis पे. P sin theta के लिए ये equatorial position पे, मतलब perpendicular पे है इसके लिए. तो जब हम P cos theta के terms में यहाँ पे electric field लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2kp upon r cube होता था, P की जगह तुम P cos theta substitute कर दोगे क्योंकि कौन सा term हमने लिया यहाँ पे, P cos theta. अब पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट कहां पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इक्वेटोरियल क्या इक्वेशन थी, के पी अपॉन आर क्यूब, पी की जगह अब पी साइन थीटा से हम डील कर रहे हैं, ये हो जाएगा. तो योर नेट ई एम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ई एम कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ई एम साइन थीटा का स्क्वायर. डू इट, इसको लिख के इसकी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, डू इट एंड सी हम जो आंसर लिख रहे हैं उसके बराबर आता है या नहीं आता है. दिस इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन. जस्ट चेक कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन. जस्ट चेक, यही आना चाहिए. अगर आ रहा है तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ सबका ये आ गया है. इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन लेट मी नो. ये आंसर आना चाहिए. इसमें ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर करो, अंडर रूट करो, एंड यू आर श्योर टू गेट दिस. अब इस इक्वेशन से अगर हमें एक्सियल पोजीशन निकालनी है, ये हमने एक जनरल पोजीशन का निकाल लिया. अब इसके लिए तुम्हें अगर एक्सियल पोजीशन पे निकालना है तो व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, थीटा हमारा एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होगा, एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा क्या होता है, जीरो.
तो थीटा हमने रखा 0 डिग्री. यू गेट दिस एज ई एक्सियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब. थीटा इज 0, दैट इज कॉस स्क्वायर 0 इज 1. तो 3 प्लस 1 इज 4, अंडर रूट 4 इज 2. तो यू गेट 2 के पी अपॉन आर क्यूब जो कि हमको मिला था. नेक्स्ट इज इक्विटोरियल पोजिशन के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इक्विटोरियल के लिए थीटा हमारा क्या था, 90 डिग्री था. यहाँ पे हमने रखा 90 डिग्री, दिस बिकम्स 0, अंडर रूट 1 इज 1, के पी अपॉन आर क्यूब. ई इक्विटोरियल हमें मिला के पी अपॉन आर क्यूब विच इज द सेम एज दैट ऑफ द एज दैट विच वी हैड गॉट. यही हमको मिला था. तो ये हो गया हमारा जनरल पोजिशन के लिए. तीन तरह की डेरिवेशन है. वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, एक बार अगर ये समझ में आ चुका है तो ये तीनों डेरिवेशन बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं. बस समझने का है कि किधर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो किस हिसाब से है, ऑपोजिट है, सेम डायरेक्शन में है, ये सिर्फ हमें देखना है. तो इस तरह के डेरिवेशंस अगर हम इस तरह से करें तो दे बिकम वेरी इजी. तो एक्सियल, इक्विटोरियल और जनरल पोजीशन हमने लोगों ने कर लिया आज. हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आज कर लिया विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो हमने कर लिया. नेक्स्ट टर्न पे वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बाय द टाइम इसमें जो डाउट्स हैं पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, हम पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. We'll be right back.